हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने 9.2 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन तक कर लिया था। तीन क्वेश्चन रहते हैं, आप उनको ट्राई कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.3। क्वेश्चन 16 गिवन है, बिटवीन 1 and 31 एम नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी। 1 और 31 के बीच में हमें एम नंबर लेके चलना है और ये हमारी एपी बन जाती है, A1, A2, up to so on AN। ठीक है, फॉर्म एन ए पी। ठीक है, और हमें दे रखा है कि रेशो ऑफ 7th and m-1th नंबर। यहाँ पे देखिए, रेशो ऑफ 7th बोला इसने और m-1th नंबर्स बोला है। ठीक है, टर्म नहीं बोला। अगर यहाँ पे टर्म कहता तो हमारे पास A7 लेते हम। ठीक है, बट हमें बोला गया है कि नंबर मीन्स हमें A1, A2, A3, A4, A6, A7 और m-1th am-1। ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि रेशो दे रखा है 7th और m-1th नंबर का 5:9। मीन्स ये जो नंबर हमने लिया है 1 को छोड़ के, जो नंबर 1 और 31 के बीच में लिया हमने, इसमें जो 7वां नंबर होगा और m-1th नंबर होगा उसका रेशो दे रखा है 5:9। ठीक है, देन हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए 1, क्योंकि ये हमारे पास AP बन रही है तो फर्स्ट टर्म हो गई 1। एंड लेट कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें चाहिए A7 की वैल्यू। इससे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में। एम नंबर तो हमने इनके बीच में लिए है, दिस इज फर्स्ट एंड ये लास्ट वाला, तो एक ये दो नंबर, ये एम हमने ले लिए तो m+2, तो टोटल नंबर हो गए यहाँ पे m+2। ठीक है, तो m+2th नंबर कौन सा है, 31। यानी कि am+2 इज इक्वल टू 31। यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाएंगे, nth फॉर्मूले वाला, a+m+2-1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, और ए की वैल्यू रख देंगे 1 + m+1 इंटू डी इक्वल टू 31। और इसको सॉल्व करेंगे तो m+1 इंटू डी इक्वल टू 30, डी आ जाएगा 30/m+1। ठीक है, देन हम यहाँ से अब A7 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। A7 यहाँ पे देखेंगे तो A7 हमारा 8वीं प्लेस पे आएगा, समझ गए। A7 को आप A8 भी लिख सकते हो, मीन्स ये 8th टर्म है, समझ गए। इसको लिखेंगे 8th टर्म। ठीक है, तो हमें क्योंकि A7 चाहिए, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इसलिए हम A8 नहीं लेंगे, A7 लेंगे। ठीक है, सॉरी A7 नहीं लेंगे, A कैपिटल में लेके चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+8-1। 7-1 नहीं कर देना कहीं, आप इसको ऐसे लिख दो कि A7 = A+7-1 × D, ये गलत हो जाएगा, समझ गए। ये जो आपके पास वैल्यू है ये 8वीं प्लेस की नंबर है, ये समझ गए ना, ये टर्म नहीं है, ये नंबर है 8वें प्लेस का। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, A+8-1 × D, यानी कि A7 को हम लिख सकते हैं A+7D। ओके, ए हमारे पास गिवन है 1 और डी हमने निकाल लिया 30/m+1, 7 × 30/m+1। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, m+1 यहाँ पे आ जाएगा और दिस इज m+1, ये आ जाएगा m+211/m+1। ठीक है, ये हमारी A7 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए ये, क्योंकि ये आपके पास कंडीशन गिवन है, यहीं से हम m की वैल्यू निकालेंगे, am-1। ये नंबर कौन से प्लेस पे आएगा, अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये नंबर हमारा आएगा, देखिए यहाँ से 1 से शुरू है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक आगे बढ़ रहा है, तो ये आएगा mth प्लेस पे। इसको आप लिखोगे A+m-1 × D। ठीक है, तो am-1 की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 1 प्लस
एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, डी इज अ 30 अपॉन एम प्लस वन। सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम लेंगे एम प्लस वन प्लस 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 एम माइनस 30 एम प्लस वन, 30 और 31 एम हो जाएगा माइनस 29 हो जाएगा डिवाइड में एम प्लस वन। ठीक है, हमें वैल्यू मिल गई ए सेवन की और ए एम माइनस वन की। अब हमें ये गिवन है 5/9 रेशो, इसमें हम पुट कर देते हैं। चलिए देखिए, ए सेवन डिवाइड बाय ए एम माइनस वन, ये हमें गिवन है 5/9। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए सेवन की, ये वैल्यू है ए सेवन की, एम प्लस 2 1 1 अपॉन एम प्लस वन। ठीक है, और जब हम अपॉन में करेंगे ए एम माइनस वन, यानी कि ये वैल्यू अपॉन में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और ये आ जाएगा 31 माइनस 29 इक्वल टू 5/9। एम प्लस वन से एम प्लस वन कैंसिल, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा एम प्लस 2 1 1 डिवाइड 31 एम माइनस 29 इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। इन दिस ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 100। पहली इंस्टॉलमेंट करता है 100 रुपीज़ की। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज़ 5 एवरी मंथ, हर एक एवरी मंथ जो वो इंक्रीज कितना कर रहा है 5 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब हर एक मंथ जो वो डिफरेंट अमाउंट नहीं डाल रहा, सेम अमाउंट डाल रहा है, दैट मीन्स ये हमारी ए पी बन जाएगी। ठीक है, वट अमाउंट विल बी रिपेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, तो जब वो 30th इंस्टॉलमेंट करेगा तब आपको बताना है कि वो कितना अमाउंट यहाँ पे करता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारे पास ए पी फॉर्म कर रही है, देन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से, फर्स्ट टर्म इज 100 क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट इसकी है 100 रुपीज़ की। ठीक है, तो ए की वैल्यू होगी 100, 5 रुपीज़ एवरी मंथ डाल रहा है तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5 रुपीज़ का, देन डी हमारा हो जाएगा 5। हमें निकालना है 30th में कितने डालेगा, ए 30th फाइंड आउट करना है, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ए की वैल्यू रखेंगे 100 प्लस 29 इंटू 5। ठीक है, दिस 245 इतने रुपीस वो यहाँ पे इंस्टॉल करेगा 30th में। ठीक है, क्वेश्चन 18 इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। हमें क्या बताया गया कि किसी भी दो कंजक्टिव यानी कि लगातार इंटीरियर एंगल का डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास 5 डिग्री आता है। कोई भी दो कंजक्टिव यानी लगातार इंटीरियर एंगल लेने हैं पॉलीगॉन के और उनका डिफरेंस लेंगे तो 5 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे पास एपी फॉर्म करेगा कि डिफरेंस ऑफ किसी भी टू एंगल का डिफरेंस निकालोगे इंटीरियर एंगल का, कंजक्टिव बोला गया है तो लगातार वाले लेंगे तो वो हमारे पास 5 डिग्री दे रखा है। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120, सबसे छोटा एंगल है 120, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, सॉल्यूशन इज, हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यही लेके चल पड़ते हैं कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, कि पॉलीगॉन में जो है वो एन नंबर एन साइड्स होंगे। ठीक है, एन साइड्स हमने ले लिए और अभी हमने देखा कि ये हमारे पास ए पी फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 120, सबसे छोटा एंगल। ठीक है, एंड डिफरेंस कितना आ रहा है 5 डिग्री का, किन्हीं भी दो एंगल्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं 5 डिग्री में दे रखा है, यहाँ से निकाल लेते हैं सम ऑफ ए पी, सम ऑफ ए पी निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है भाई, एस एन इक्वल टू एन बाय टू, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है एन है तो एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए और डी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन बाय टू, टू इंटू ए, ए की वैल्यू 120 तो ये हो जाएगा 240 प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट।
अब किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम का क्या फॉर्मूला होता है? एस एन इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन. ठीक, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल. तो एन बाय टू 240 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा एन माइनस 2 इंटू 180. इस इक्वेशन से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देन इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एन बाय 2 इधर ले जाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा 240 प्लस 5 एन माइनस 5 इक्वल टू, इसे इधर लेके जाएंगे तो एन माइनस 2 180 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय एन. ठीक है, देन 240 अच्छा इसको सॉल्व कर लो, 5 माइनस कर लो इसमें से, 35 प्लस 5n, दिस इज इक्वल टू n माइनस 2 बाय n इंटू 360. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है इधर, तो n n वाले एक साइड ले आते हैं, 235 कॉन्स्टेंट टर्म है. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस 5n इक्वल टू, यहाँ से इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2 बाय n इंटू 360. 235 प्लस 5n 360 माइनस बाय n. ठीक है, नाउ 360 इसको इधर ले आते हैं, 5n प्लस 720 बाय n इक्वल टू 360 माइनस 235. ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, n एलसीएम लेना पड़ेगा, 5n स्क्वायर प्लस 720 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 531. ठीक है, इंटू 5 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर इसको ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 25n प्लस 144. ठीक है, फैक्टर बनाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी सॉरी माइनस 9n 16 एंड 9. ठीक है, तो n हमारे पास आ गया 16 या फिर 9. अब हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू कौन सी फिट रहती है यहाँ पे. तो n इक्वल टू 16 के लिए देखिए, अगर हम n इक्वल टू 16 ले लेते हैं तो हम यहाँ से लास्ट टर्म फाइंड आउट करके देखेंगे. लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू कितनी है, 120 प्लस n हो गया हमारे पास 16, यानी कि 15 इंटू 5 इज अ डी. तो 120 प्लस 75 5 9 एंड 1 195. ये लास्ट टर्म का मतलब हमारे पास एंगल आ रहा है, क्योंकि ये हम फर्स्ट हमारे पास एंगल दे रखा था, फर्स्ट टर्म इज एंगल. ठीक है, तो लास्ट टर्म भी एंगल में आएगी, तो क्योंकि इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए जो हमने लास्ट टर्म निकाली यानी कि हमने लास्ट एंगल निकाला तो वो 195, तो ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 9 आ जाएगा यहाँ से. जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ले रही हूँ 2, 4, 8, 16 अप टू 100. आप AP तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, इसके पैरेलल इसका भी डिफरेंस बताते जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100. ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 के बाद जो टर्म आ रही है वो कैसे आ रही है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 आएगा. ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा. यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4,
फोर में टू ऐड करेंगे तो सिक्स, सिक्स में टू ऐड करेंगे तो एट. मीन्स यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, डिफरेंस फोर माइनस टू टू, थर्ड टर्म और सेकंड का फाइंड आउट करते हैं, तो एपी में हमारे पास डिफरेंस सेम आता है. जीपी में क्या होता है, जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू सॉन चल रही, ठीक है. तो ए टू बाय ए वन हम ये फाइंड आउट करके देखेंगे. रेशियो ऑफ ए टू बाय ए वन यानी कि फोर बाय टू इज टू. नेक्स्ट टाइम रेशियो ऑफ ए थ्री बाय ए टू, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म का, तो एट बाय फोर इज टू. एंड रेशियो ऑफ फोर्थ एंड थर्ड टर्म का, तो सिक्सटीन बाय एट इज ऑल्सो टू. ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हम अगर हम दो कंसेक्टिव टर्म्स का रेशियो लेते हैं तो वो हमारे पास सबका सेम आ रहा है. तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, देखिए इसको अब हमें ये पता चला है कि इसका इनका रेशियो सेम होता है, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तब हमारे पास टर्म सेम आती हैं. जैसे और अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया, टू को मल्टीप्लाई किया टू से, तो मेरे पास फोर आ रही है. मतलब ए वन इन टू रेशो हम यहाँ पे आर ले लेते हैं, रेशो इज़ आर. ए वन इंटू ए वन जब फर्स्ट टर्म इंटू आर करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाती है, समझ गए. यानी जो रेशो हमारे पास आ रहा है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड आ जाएगी, सेकंड को रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी, और थर्ड टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ टर्म आ जाएगी. इस तरह से हम इसकी सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम कैसे लेके चलेंगे, फर्स्ट टर्म इज ए इंटू ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अप टू सॉन ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन. अब देखिए इसमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ए रेज टू पावर यहाँ पे आर की पावर जीरो से स्टार्ट है, समझ गए, आर की पावर जीरो इज अ वन, तो जीरो से स्टार्ट है एन माइनस वन तक जा रही है, तो इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. जैसे आप ए पी की लेते थे ना, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से आप ए पी लेते थे. इसे आपको जी पी लेना है, ए आर एस टू पावर जीरो इज वन, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए क्यूब अप टू सॉ. ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो इज अ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी, आर इज अ कॉमन कॉमन रेशियो लिख लो, कॉमन रेशियो ऑफ जी पी. ठीक है, एन इज द वही ए पी की तरह ही नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, एंड ए एन इज द एनथ टर्म ऑफ जी पी. कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, एनथ टर्म कैसे निकालते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म ए वन ए दे रखा है, ठीक है, सेकेंड टर्म हमारी है ए टू इज ए आर, यहाँ पे आर एच पावर जीरो कर देती हूँ, ए थ्री ए आर स्क्वायर अप टू सॉन. अब देखिए जैसे मैंने फर्स्ट वन लिया, यहाँ पे आर की पावर जीरो आ रही है यानी से कम आ रही है. अगर मैं टू लेती हूँ तो आर की पावर वन आ रही है, थ्री लेती हूँ थर्ड टर्म लेती हूँ तो आर स्क्वायर आ रहा है यानी पावर टू आ रही है. ठीक है, तो इस तरह ए तो सब में सेम चलता जा रहा है, तो अगर मैं इसकी एनथ टर्म निकालती हूँ तो ए तो सबके साथ ही सेम है हर एक टर्म में, आर रेज टू पावर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एन है तो इससे एक कम आ जाएगा एन माइनस वन. देन दिस इज द जनरल टर्म, एनथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब आती है सम की बात, सम ऑफ जी पी. सम ऑफ जी पी कैसे निकालना है, जी पी आपके पास दे रखी है ए आर, ए ए आर, ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सॉन ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन. हम एन टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एस एन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर. अब ये चीज़ यहाँ पे एक ध्यान रखनी है कि एक तो हम लेते हैं एस एन दिस, एक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर आर माइनस वन. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब इसको अप्लाई करना है, कब इसको अप्लाई करना है. अगर तो आपका कॉमन रेशो वन से लेस है
अगर r की वैल्यू 1 से लेस आ जाती है, 1/2, 1/3, 1/5 जो भी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर r की वैल्यू आती है 1 से ग्रेटर, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द GP। ये आपके पास GP दे रखे है, आपको इसकी 20th और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म इज अ 5/2, आर इज अ कॉमन रेशियो, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 × 2/5 हो जाएगा, कैंसिल 2, दिस इज 1/2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। आपको चाहिए 20th टर्म अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, nth टर्म का फॉर्मूला था a r raised to power n-1, देन a r raised to power 20 में से एक माइनस कर दीजिए, a की वैल्यू यहाँ पे 5/2, r 1/2, 1/2 raised to power 19, ओके, देन 5 यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो (into 1/2 raised to power 19), दिस इज इक्वल टू 5/2 raised to power 20, ये आ जाएगा 20th टर्म। nth टर्म फाइंड आउट करनी है, nth हमारी an इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, a इज़ अ 5/2 और r हमारा 1/2 raised to power n-1, 5/2 × 2^n-1, 5/2 raised to power n, दिस इज द nth टर्म। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द GP, ए 12th आपको फाइंड आउट करनी है, वुज 8th टर्म इज 192, ए 8 गिवन है आपके पास 192, दैट मीन्स एंड और क्या दे रखा है, कॉमन रेशो दे रखा है भाई, एंड r इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। चलिए ए 8 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए इज द, यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए इज द फर्स्ट टर्म और r हमें गिवन ही है, तो a इंटू आर रेज टू पावर 8-1 इक्वल टू 192, ए इंटू आर रेज टू पावर, r हमें 2 दे रखा है ना, 2 raised to power 7 हो जाएगा 192, तो ये आ जाएगा 192 और 2 raised to power 7 कितना होता है, 5/6 = 128, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 से जा रहा है 4, 4 से फिर से जाएगा 12/, ये फिर से भी जा रहा है, चलो देखते हैं, 8 से कैंसिल कर दो इसको, 3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो a हमारे पास आ गया 3/2, हमें चाहिए a 12 मीन्स a इंटू आर रेज टू पावर 11, एक माइनस हो जाता है, a की वैल्यू हमारे पास 3/2 आई है और r क्या था 2 raised to power 11, तो 2 की पावर अगर बेस सेम हो गए, एक ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा 3 × 2 raised to power 10, ठीक है। तो 3 × 1024 देन मल्टीप्लाई कर लेना। क्वेश्चन थर्ड इज द 5th, 8th, and 11th टर्म ऑफ ए GP इज PQR रिस्पेक्टिवली, शो दैट दिस, यानी आपको दे रखा है a 5 इज P, a 8 इज Q एंड a 11 इज R, ठीक है। तो आपको निकालना है, ये शो करना है, तो यहाँ से आप शुरू कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इज अ फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख लेना आप, लेट a इज अ फर्स्ट टर्म एंड r इज अ कॉमन रेशियो, तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या आता है a r रेज टू पावर 4, एक कम हो जाता है, इक्वल टू p, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो a r रेज टू पावर 7 इक्वल टू q, सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इज a r रेज टू पावर 10 इक्वल टू r, थर्ड इक्वेशन। क्योंकि हमें q स्क्वायर चाहिए तो हम सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन सेकेंड,
ऑफ इक्वेशन सेकेंड. तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए आर रेज टू पावर 7 स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर 17 इंटू 2 इज 14 इक्वल टू क्यू स्क्वायर. ए स्क्वायर को हमने लिख दिया ए इंटू ए, और 14 को लिख देंगे हम आर रेज टू पावर 4 इंटू आर रेज टू पावर 10. नाउ सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो ए इंटू आर रेज टू पावर 4 ये हमने इकट्ठा कर लिया और ये एक साथ ले लेते हैं. ओके अब देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से ए आर रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी है p, और थर्ड इक्वेशन से ए आर रेज टू पावर 10 की वैल्यू है r, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर विच इज प्रूव्ड. ये हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन फोर्थ देखिए, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जी पी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज माइनस 3. सातवीं टर्म निकालिए. देखिए क्या क्या दे रखा है कि इसकी फोर्थ टर्म इसकी सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, एंड ए की वैल्यू दे रखी है यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है माइनस 3. हमें सातवीं टर्म फाइंड आउट करनी है. पहले इसको सॉल्व करते हैं. फोर्थ टर्म फाइंड आउट कीजिए पहले. तो ए आर क्यूब इक्वल टू ए आर, और इसका चल रहा है स्क्वायर. यहाँ पे जो फोर्थ टर्म होती है, अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस टू पावर 4 माइनस 1, और ए टू क्या बन जाएगा, ए आर एस टू पावर 2 माइनस 1. ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं इसको. ए आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर. ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक आर बन जाएगा. तो यहाँ से तो रिमेनिंग आर, और यहाँ से आ गया ए, और ए की वैल्यू कितनी है माइनस 3. तो आर हमारे पास आ जाएगा माइनस 3. फाइंड आउट करना है ए 7, ए आर एज टू पावर 7 माइनस 1 मीन्स ए आर एज टू पावर 6. ए की वैल्यू भी माइनस 3 है और आर की वैल्यू भी माइनस 3 है, तो माइनस 3 रेज टू पावर 7. इसको सॉल्व 5. विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपके पास 3 सीक्वेंसेस गिवन है, और बताना कि ये सीक्वेंस दे रखी है इस 128, यानी कि 128 इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आएगी, ये आपको बताना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पहले को सॉल्व कर लेते हैं. लेट जो 128 है वो हमारी nth टर्म है. ठीक है, तो फर्स्ट सीक्वेंस जो हमें गिवन है 2, 2 रूट 2 एंड 4 अप टू सॉन. तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है 2. कॉमन रेशो फाइंड आउट करोगे तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट को डिवाइड कर लो, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज रूट 2. और अगर 4 को 2 रूट 2 से डिवाइड करते हैं 2, और 2 बाय रूट 2, 2 को लिखोगे रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइड रूट 2 कैंसिल होके, तो हमारा कॉमन रेशो आ जाएगा रूट 2. ठीक है, हमें बतानी है कि कौन से नंबर पे आएगी, मीन्स हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ए एन इज़ अ 128, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 128, ए की वैल्यू रखिए 2 इंटू आर की वैल्यू रूट 2 एन माइनस 1 इक्वल टू 128. 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 64, और यहाँ पे 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हैं. 2 की पावर तो है हमारे पास 1 बाय 2, रूट 2 को हमने 1 बाय 2 पावर में कन्वर्ट कर लिया, और n माइनस 1 पावर, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 64. अब यहाँ पे हमें अगर पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेस को सेम बनाना होता है. ठीक है, तो 64 2 की पावर में देखिए कितना आता है 6, तो बेस सेम हो जाएगा, पावर इक्वल आ जाती है इक्वल टू 6, तो n माइनस 1 इक्वल टू 12, और n इक्वल टू आ जाएगा 13. सेम टू सेम आपको सेकेंड और थर्ड भी करना है, मैं आपको थर्ड और करवा देती हूँ. फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 बाय 3, r हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1 बाय 9, 1 बाय 3, 1 बाय 9 इंटू 3 बाय 1 कैंसिल 1 बाय 3, तो r हमारा आ गया 1 बाय 3. ठीक है, कहते हैं कि दिस टर्म इज कौन से नंबर पे आएगी ये टर्म, तो 1 9 6 8 3 एनएस टर्म ले लेते हैं. एनएस टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे,
ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ए की वैल्यू रखिए 1/3, आर की वैल्यू रखेंगे 1/3 रेज टू पावर एन माइनस वन, बेस सेम तो पावर भी ऐड हो जाती है, एक पावर ये और एन माइनस वन एन हो जाएगा, और किसके इक्वल चल रहा है 1968 3 के। अब हमें एन की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको 1/3 के बेस में लाना पड़ेगा, मीन्स हमें इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे कि कितने अपने पास फैक्टर बन रहे हैं इसके। यहाँ कर लेते हैं इसको 1968 3। कैसे चेक करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 एंड 5, 6 और 1, फिर से 6 से 12 13 और 5 जाएगा 3 पे, 2 1, 2 पे 8 एंड 7, दोबारा से 3 पे, 10, फिर से 3 पे देखते हैं 3 27 9 3 3। ठीक है, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 की पावर 9 करते हैं तब हमारे पास ये आता है, मीन्स इसको मैंने लिख दिया 1/3 रेज टू पावर 9 इक्वल टू 1/3 रेज टू, यहाँ पे चल रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 रेज टू पावर 9, और इधर 1/3 रेज टू पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर आपकी इक्वल हो जाएगी, तो n इक्वल टू। क्वेश्चन 6 गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स दीज आर इन AP। आपको बताना है कि नंबर AP में कब आएंगे, अगर ये मीन्स अगर ये नंबर AP में है तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, देन सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, -2/7 x -7/2, दीज नंबर्स आर इन, सॉरी AP नहीं है भाई, आर इन जी पी चल रहा है, आर इन GP। इफ कब होते हैं, जब x बाय इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल आ जाए, -2/7 इक्वल आ जाना चाहिए -7/2/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसके से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/7 × 7/2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। 6 तक ही कवर करते हैं, इसमें आपके nth टर्म ऑफ GP के सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो गए हैं, कल हम करेंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में सम ऑफ GP बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।